में फिलहाल हम हैं रोहिणी इलाके में ही और हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक भगवान अग्रवाल जी भी साथ में हैं और इलाके की जनता भी है, जनता की राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं, इतने साल तक आप यहाँ विधायक रहे लेकिन पिछली बार कुछ चंद वोटों से आपकी हार हुई, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं हार का? अन्ना हजारे एक एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति है जो वास्तव में ईमानदार है। उन्होंने एक जन लोकपाल आंदोलन चलाया था और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना सबको दिखाया था और केजरीवाल उसी की आड़ में पनपे थे। फिर बाद में ये जो है ना राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो इन्होंने जो लोगों के साथ लुभावने वादे किए थे, लोग गुमराह हो गए थे। अब आपको लगता है लोग गुमराह नहीं होंगे? नहीं, वह लोग समझ गए क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिसके ऊपर पूरा विश्वास कायम किया था, सबसे बड़ा विश्वासघात किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने किया है। क्या विश्वासघात हुआ है या अभी भी लोग दोबारा चांस देना चाहेंगे? जी मैडम, मैं मयंक थापर, मैं एक आम आदमी पीड़ित हूँ। पिछली दफा हमने जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमने माननीय केजरीवाल जी को वोट दिया था कि जो जो उन्होंने वादे किए थे उसके हिसाब से। लेकिन क्या हमने, मैं अपने माननीय विधायक यहाँ से जो कि राजेश गर्ग जी हैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमने इसलिए उनको वोट दिया था कि वो धरनों पे बैठे और हमें जो हमारा भविष्य है उसको अंधकार में डाल दें? ये मेरा सवाल है उनसे। कई सवाल हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, महिलाओं से भी जानती है। बताइए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हर चुनाव में रहता है, इन चुनावों में भी रहेगा। आपको लगता है कि महंगाई कहीं से भी कम हुई है? बिल्कुल भी कम नहीं हुई है महंगाई। और सबसे बड़ी बात है कि मैं राजेश गर्ग जी से ये भी पूछना चाहूंगी कि जो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने सोसाइटियों के लिए बहुत कुछ किया, हम लोगों ने बहुत कंप्लेन की, एक दिन भी आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं आया पूछने के लिए क्या समस्या है, लिखित कंप्लेन के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। युवाओं के लिए कुछ खास उम्मीदें रखते हैं इस बार युवा? युवाओं के लिए हमने उम्मीदें तो रखी थी पिछले विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी से कि वो आएंगे और युवाओं का कुछ साथ देंगे, जैसे महिला सुरक्षा पे हम लोगों के साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने खुद युवा वर्ग जो था सबसे ज्यादा उन्होंने उनका सपोर्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 49 डेज में उन्होंने सरकार बनाई, वो छोड़ के चले गए। अब हम लोगों का नेतृत्व जो है जैसा नेतृत्व भाजपा को इस बार मिला है नरेंद्र मोदी जी का, हम लोग उस बार उनके साथ जाना चाहेंगे। और मोदी की लहर के साथ आप युवा भी जाना? हाँ जी, युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल मोदी लहर के साथ जाना चाहेंगी और हम लोग भी चाहते हैं कि देश में एक अच्छा शासन है और दिल्ली में भी अच्छा शासन हो। बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने तो लंबी राजनीति की पूरी पारी देखी है, क्या समझते हैं आप कौन से वो मुद्दे इस बार होंगे जो एक आम वोटर सोचेगा वोट डालने से पहले? मैडम, है जनता को, जब देश में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था तो आम आदमी सोचता कि हम कहां जाएं, उसको कोई नजर नहीं आता कुछ। उस टाइम जो हमारे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने सबको, बच्चों युवा वर्ग लगा लो, घर में लगा लो, औरतें बच्चे सब एकजुट होकर हम इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और जो उनका कार्यकाल रहा जितने दिन का, उस कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं हुआ सिवाय धरना प्रदर्शन, झूठे वादे, जाके वहां सो गया रेलवे भवन के सामने, गणतंत्र दिवस मत मनाओ, जब वो मिलिट्री को दिया एरिया तो कहते स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मनाओ, सारी बातें उलझ पुलझ करके पूरे देश को उलझा दिया। और जितने हमारे झुग्गी झोपड़ी वासी भाई है सारे उलझ गए, वो उनको भर में डाल दिया उन्होंने, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, झूठे वादे थे। ये बताइए, कांग्रेस एक अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप एक वोटर क्या कांग्रेस में दोबारा विश्वास करना चाहेगा 15 साल का विकास? हम लोगों ने पहले कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं, बचपन से कांग्रेस के साथ थे, मैं उसका सदस्य भी रहा हूँ। लेकिन जब हमारे को दिखा कि कितना भ्रष्टाचार इनके साथ हो रहा है, हमारे देश के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा भ्रष्टाचार पता लग रहा है, तो हमने एक विकल्प के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को देखा। और केजरीवाल जी को दोबारा विश्वास रखेंगे? नहीं, अब तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन केजरीवाल को देख के ये लगा था कि शायद भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके राज में खत्म होना तो दूर, वो खुद ही चले गए भाग के। ये बताइए कि क्या एक शख्सियत को देखकर वोट डालना चाहिए या पार्टी को देखकर या मुद्दों को देखकर? हम मुद्दों को भी देखेंगे, शख्स को भी देखेंगे और पार्टी को भी देखेंगे। जी, राजेश्वर जी जो हमारे यहाँ से विधायक है, बेसिकली पूरी आम आदमी पार्टी शॉफ्स की पार्टी है, वो ऐसा शॉफ करते हैं कि ई रिक्शा और ये सब पे जाएंगे। आप देखेंगे अगर कभी भी उनको कहीं बुलाया जाता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अपनी इनोवा में, एम्बेसडर में ट्रेवल करते हैं, जैसे ही मीडिया को देखते हैं वो अपनी रिक्शा ले लेते हैं कि मैं रिक्शा पे आता हूं, सिर्फ शॉफ है मैडम और कुछ भी नहीं है। इस तरह से जी, सुरेंद्र मोहन लांबा, प्रेसिडेंट हूँ रोहिणी फोरम का। मैं केवल स्थानीय स्तर की कुछ दो तीन बातें कहूंगा। हमने रोहिणी के बहुमत ने, बेशक वो 1800 वोटों के लगभग वो मार्जिन से जीते हों, लेकिन वो अपने राजेश गर्ग जो हमारे विधायक रहे यहाँ से, वो अपने बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाए, 47% वो खर्च कर पाए। अगर उस कार्यकुशल इतना थे तो वो अपना पूरा बजट खर्च करते, और जो 47% खर्च भी हुआ
उसमें से 2 करोड़ एलजी के पास एक फाइल अभी भी पेंडिंग है और उनके कार्यकाल में एक वर्ष में रोहिणी में एक भी ईट नहीं लगी ना एक उनके फंड से विकास नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। क्या कहते हैं आप और क्या मुद्दे हैं? बिजली पानी एक मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी कि हमने तो बहुत कुछ फ्री दिया कम दामों में प्रेजेंटेशन भी दिया, पर जितना दुर्भाग्य दिल्ली का 49 दिन के अंदर रहा मुझे बड़े दुख और खेद के साथ व्यक्त करना पड़ता है कि आदमी की जेब कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आदमी के यहाँ डकैती पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आदमी के साथ विश्वासघात हो जाए इससे बड़ी दुर्दशा देश की हो नहीं सकती। महिलाओं की क्या और समस्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, वो कहते थे करेंगे क्या करा 49 दिन में तो वो भागी गए। तो लेकिन वो तो केंद्र सरकार पर भी आरोप लगातार लगा रहे हैं, केंद्र में तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने भी अब तक कुछ नहीं किया। तो वो करेगी ना, पहले करती तो आई है ना, तो अब भी करेगी, आप वाले तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी मोदी जी के साथ सबका नहीं, देखिए अभी 6 महीने में मोदी जी के कितनी बार पेट्रोल के दाम कम हुए, कितना प्रोग्रेस हो रही है। अगर हम दिल्ली में मोदी जी को अपनी सरकार को लाते हैं, भाजपा को लाते हैं, तभी तो वहां प्रोग्रेस होगी, तभी तो मौका तो दीजिए। 6 महीने में आप क्या केस करते हैं? और एक 15 साल की कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार। यही मौका जो है आम आदमी पार्टी भी मांग रही है कि एक मौका और दिया जाए, क्या जनता दोबारा मौका देना चाहेगी? देखो जी, जो चीज जो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार कर सकती है केंद्र सरकार के साथ मिलके, वो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं बात करता हूँ राजेश गर्ग जी की, जिनके पास केवल पंजाब केसरी के अलावा मैंने कभी कोई मुद्दा नहीं देखा। हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर यदि आप बात करोगे केवल पंजाब केसरी का मुद्दा, इसके अलावा उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, कोई दिल्ली की प्रोग्रेस का मुद्दा नहीं है, कोई रोहिणी की प्रोग्रेस का मुद्दा नहीं है। कभी मेरे ख्याल से हमारे, मैं D10 के अंदर रहता हूँ, कभी आके नहीं देखा कि क्या हुआ। तो विधायक आपके बीच में नहीं आए, ये नाराजगी है। जय भगवान जी, मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन वादों के साथ? रोहिणी कॉलोनी में तो पार्किंग की समस्या है, पार्किंग का मामला जो है DDA से संबंधित है, क्योंकि जमीन की ओनर जो है लैंड ओनर जो है DDA है, DDSM MCD को जितनी भी मैक्सिमम प्लॉट होंगे वो कराएंगे, लैंड यूज चेंज कराएंगे, उसके बाद पार्किंग बनवाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, दोनों सोसाइटियों का गठन हाउसिंग समस्या के समाधान के लिए किया गया था, मगर नियम अलग अलग है। हाउसिंग सोसाइटी वो है जिनमें प्लॉट मिलते हैं, आदमी कई कई मंजिल के मकान बना लेता है। आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात की, यहीं पर मुद्दा उठता है MCD में भ्रष्टाचार का, नक्शे पास करवाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष आपको इन बातों पर भी घेर रहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, लेकिन MCD में कितना भ्रष्टाचार है किसी से छुपा नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। 49 डेज तक उनकी सरकार रही और 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। कितने MCD के अधिकारी हैं जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से पकड़वाए गए? वो चाहते अगर वास्तविकता होती, केवल आरोप नहीं होते, वो सिद्ध करते था माले जब वास्तव में भ्रष्टाचार है। और 15 साल में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस का उजागर हुआ है, जितना केंद्र सरकार का कांग्रेस के का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और भाजपा की सरकार ऐसी है जिसने अपनी ईमानदारी को प्रमाणित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर मानकर मत्था टेक कर प्रवेश किया है, सारी दुनिया ने इसके ऊपर विश्वास किया है। और मुद्दे और क्या रहेंगे? मुद्दे और क्या रहेंगे? मुद्दे तो आम आदमी पार्टी का काम है टोपी पहनाना, टोपी लोग। आप मुद्दे बताइए। मुद्दे रोहिणी में तो विकास के मुद्दे हैं, विकास हो रहा है, MCD में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नक्शे 200 मीटर के जो है वो वैसे ही पास होते हैं। जी। मैं विधायक जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने हाउस बिल्डिंग और ग्रुप हाउसिंग का मुद्दा उठाया, मैं क्योंकि ग्रुप हाउसिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या ये आज इस जनता के बीच में ये आश्वासन देंगे? इन्होंने मुद्दा उठाया था पर कुछ टाइम में भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, पर क्या अगर भाजपा की सरकार आती है तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की जो समस्या है, MLA का फंड वहां नहीं लगता, काउंसलर का फंड वहां नहीं लगता, MP का फंड वहां नहीं लगता, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, दोगला व्यवहार होता है, तो क्या विधायक जी ये आश्वासन देंगे कि अगर विधायक जी चुन के आते हैं और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के मुद्दे हैं वो सॉल्व होंगे? बिल्कुल, तो सीधा सवाल जनता का, जनता के बीच आप हैं। 1993 से 1998 के बीच भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में अपनी सरकार नहीं थी, ये शिकायत बिल्कुल जायज है। हमने हाउस टैक्स में 20% की